हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर एल्डिहाइड केटोन का लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्जैक्टली इसके लेक्चर अभी पूरी तरह से सूट नहीं हुए थे। अब मैं सूट कर रहा हूँ इसके लेक्चर को, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, अभी भी ठीक नहीं है। फिर भी मैं लेक्चर आपके लिए जरूर दूंगा, मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ। आप लोग प्लीज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम को नजदीक देखते हुए बहुत कम समय बचा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इस वजह से मैं तबीयत खराब है, फिर भी वीडियो बना रहा हूं। आपका एक काम है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ये बिल्कुल कमिटमेंट होना चाहिए आपका मेरे साथ, ताकि मैं आपके लिए वर्क करता रहूं, मेरा वर्क करने का जोश कम ना हो। तो स्टार्ट कर रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड के अंदर फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड, अगर एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन देखेंगे, जैसे दिख रहा हो कंडीशन इस तरह से, यह है कंडीशन CH3COREACL, यह एसाइल क्लोराइड। अगर इसका रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम वगैरह। तो जब भी आप रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटाएंगे और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, तो ये कंडीशन बनेगा CH3 और CO, और ये कंडीशन बनेगा H, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ, क्लियर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो एग्जैक्टली एल्डिहाइड बना, क्या बना, एल्डिहाइड। और अगर आप हाइड्रोजन और प्लैटिनम और पैलेडियम को देखेंगे, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से इसको फर्दर रिड्यूस करेगा, और एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा, तो ये बनेगा कंडीशन CH3 और CH2, और ये कंडीशन बनेगा OH, राइट, क्लियर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, आपको तो प्रिपरेशन एल्डिहाइड का चाहिए, नहीं चाहिए। अगर ये नहीं चाहिए तो एक काम और किया जा सकता है, आप सूत्रों में सब क्या काम करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जा सकता है यहां से। ये जो आपने हाइड्रोजन और प्लैटिनम लिया पैलेडियम, इस पैलेडियम के साथ सम अमाउंट ऑफ BSO4 को ऐड कर देंगे, क्लियर है। तो ये जो BSO4 है एग्जैक्टली एक्ट करता है कैटालिटिक पॉइजन की तरह, क्या बोल रहा हूं कंडीशन, कैटालिटिक पॉइजन, ये कैटालिटिक पॉइजन की तरह एक्ट करता है, और कैटालिटिक पॉइजन होने की वजह से ये एल्डिहाइड को फर्दर अल्कोहल में रिड्यूस होने नहीं देगा, ये इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी को रिड्यूस कर देगा। तो यहां पर कंडीशन केवल और केवल जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ये एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस करके अल्कोहल का फॉर्मेशन निकालेगा। दूसरी बात, ये जो PD और BSO4 आप देख रहे हैं, PD+DSO4, ये PD और BSO4 का कंपोजिशन कहलाता है लिगेलर्स कैटलिस्ट। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिगेलर्स कैटलिस्ट। सो लिगेलर्स कैटलिस्ट हम लोग बोलते हैं PD+BSO4, जहां पे PD कैटलिस्ट है और BSO4 कैटालिटिक पॉइजन है। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर मैंने जिक्र किया हुआ है इसके बारे में, क्लियर है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे, इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है रोजनमंड रिएक्शन, क्या बोल रहा हूं कंडीशन, रोजनमंड रिएक्शन, ये रोजनमंड रिएक्शन है। तो रोजनमंड रिएक्शन में एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन से एल्डिहाइड बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम, क्लियर है कंडीशन। एक तो कंडीशन ये, सेकेंड कंडीशन बोल रहा हूं, सेकेंड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और एस्टर, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और एस्टर, एस्टर और नाइट्राइल का रिडक्शन से भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सर, मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन। अगर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल देखेंगे, नाइट्राइल मतलब साइनाइड, जैसे लिख रहा हूं कंडीशन CH3 और CH2 और ये CN लिख रहा हूं साइनाइड, आप इस CN को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यह CN C111N नाइट्राइल। अगर आप रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ SM और HCl, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करेंगे, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ये वाला CH3 CH2 और ये CH डबल बॉन्ड NH, ये वाला कंडीशन CH3 CH2 और CH और डबल बॉन्ड अधिक का बना NH, क्लियर है कंडीशन। इमाइन बन रहा है, CH डबल बॉन्ड NH का कंडीशन जो दिख रहा है,
ये कल आएगा क्या इमाइन शॉर्ट नोट पूछा जाता है शॉर्ट नोट ऑन इमाइन वन नंबर का क्वेश्चन आएगा क्लियर है। अब एग्जैक्टली जब भी हम लोग नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं तो नाइट्राइल का रिडक्शन जो होता है वो रिडक्शन बाय हाइड्रोलाइसिस मतलब सेकेंड स्टेप मस्ट बी हाइड्रोलाइसिस। जब आप रिडक्शन करेंगे तो सेकेंड स्टेप इसका जो होगा वो हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर होगा और वाटर ऐड करके क्या कंडीशन बनेगा ये आपके पास एडिशन ऑफ वाटर यहां से इसको ब्रेक कर दीजिए प्रोडक्ट दिखाई देगा आपको CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड बन गया CH3 CH2 और ये CHO एल्डिहाइड बना और बाकी ये बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको एल्डिहाइड निकल गया क्लियर है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। यहां एक और कंडीशन आप अगर SN और HCl नहीं चाहेंगे तो इस कंडीशन में आप चाहें तो DiBaLH का भी यूज कर सकते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट। इसका नाम क्या है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट इसको भी आप रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। सेम काम होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एडिशन करेगा बनेगा CH3 CH2 और ये CH CH और ये कंडीशन बनेगा CH डबल बॉन्ड और ये NH इमाइन बनेगा और जब भी नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस होगा सेकंड स्टेप बाय हाइड्रोलाइसिस तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2 को जोड़ेंगे और यहां से तोड़ेंगे ये प्रोडक्ट CH3 CH2 CHO मिलेगा ये मिलेगा कंडीशन CH3 CH2 और ये CHO और यहां कंडीशन आपको मिलेगी भाई NH3 ये कंडीशन NH3 दिखाई देगा बोलो क्लियर है आई समझ अच्छा कि आप सोच रहे हैं सर SN और HCl भी रिडक्शन किया DiBaL भी रिडक्शन किया फिर दोनों में क्या डिफरेंस होगा कुछ फंक्शन है जो डिफर कर रहे हैं कैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल ऐसा लिख रहा हूं मैं CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और ये लिख रहा हूं कंडीशन CH2 और ये लिख रहा हूं नाइट्राइल HCl और इसका रिडक्शन करना हो SN और HCl लिखा हुआ है रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर देंगे हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया यहां से आप तोड़ दिए ये बना कंडीशन CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH और डबल बॉन्ड NH ये बन गया कंडीशन। अब हाइड्रोलाइसिस करेगा ये कंडीशन हाइड्रोलाइसिस का कंडीशन करेगा ये हाइड्रोलाइसिस का केस है H2 जोड़ेंगे तोड़ेंगे ये बनेगा कंडीशन क्या CH3 CH2 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 और ये CHO कुछ दिखा कंडीशन आपको दिखा कंडीशन कि SN और HCl जब रिडक्शन करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप के मल्टीपल बॉन्ड को तो रिड्यूस करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के भी मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे पर अगर यहां भी रिड्यूस किया तो यहां भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ये एग्जैक्टली कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CH2 में। क्लियर हुआ? लेकिन अगर सेम रिएक्शन आने दिया जाए सेम रिएजेंट आने दिया जाए और इस कंडीशन में आप DiBaL यूज करेंगे अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन शो करेगा और सेलेक्टिव रिडक्शन अगर शो करेगा तो ये केवल और केवल जो है वो फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल को रिड्यूस करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में ये केवल बनाएगा CH3 CH और डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा CH CH2 और ये CH डबल बॉन्ड और ये NH और सेकंड स्टेप आप करेंगे आप क्या हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये यहां से तोड़ेंगे ये बनेगा कंडीशन CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और CHO बनेगा और बाकी ये अमोनिया के रूप में निकल जाएगा बहुत क्लियर है आया समझ। तो DiBaL जो है वो सेलेक्टिव रिडक्शन करेगा जबकि SN और HCl कंप्लीट रिडक्शन शो करेगा। ये तो नाइट्राइल का रिडक्शन है एक कंडीशन है रिडक्शन ऑफ एस्टर रिडक्शन ऑफ एस्टर। अगर आप एस्टर का रिडक्शन करेंगे ये लिख रहा हूं कंडीशन आपके पास रिडक्शन ऑफ एस्टर अगर आप एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो थोड़ा कंडीशन चेंज होगा। एस्टर आप लिखते हो कैसे आर सीओ ओ आर आर है सीएल का एस्टर। अगर आप रिडक्शन करेंगे इसका रिडक्शन करेंगे प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट तो जैसे आप रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहां ध्यान से ये कार्बन ऑक्सीजन ये कार्बन ऑक्सीजन और क्वेश्चन मार्क सर इस कार्बन ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए यहां जुड़ना चाहिए। अगर आप यहां हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते लेकिन अगर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहां करके इजीली ब्रेक कर सकते हैं कम एनर्जी चाहिए सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये बनेगा RCOH ये कंडीशन बनेगा RCOH और बाकी ROH ये बनेगा अल्कोहल कंडीशन बनेगा बहुत क्लियर है
बड़ा सिंपल कंडीशन है। तो आज आवाज थोड़ा दबदब के आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश है कि आपका गैप ना हो, आपको जल्दी से जल्दी इसका फायदा मिले, और जैसे मैं ठीक हो जाता हूँ आप विश्वास रखिए मैं इस चैप्टर का ड्यूरेशन भी बढ़ा दूंगा। बहुत छोटा छोटा लेक्चर आप देख रहे हैं, इस लेक्चर का भी ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा, लेकिन प्लीज आप लोग शेयर करते रहिए, तबीयत खराब में भी आपके लिए वर्क करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।